हेलो बडीज, वेलकम टू श्वेता डायरी। मैं हूँ श्वेता और आज मैं एक और जयपुर की वीडियो लेके आई हूँ। वो होप सो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, वो है मेरी जयपुर ट्रिप के बारे में। और ये मेरी वीडियो है मसाला चौक के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर प्लेस है जयपुर में। अगर आप जयपुर आए हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। तो जब आप मसाला चौक आएंगे, मसाला चौक एक बेसिकली एक फूड कोर्ट है। यहाँ पे जो भी वो जयपुर की फूड आउटलेट्स है जो पॉपुलर है, जैसे दाल भाटी चूरमा हो गया, फालूदा, चाय वाला, कुल्फ़ी और गोलगप्पे, जिसको यहाँ पे पताशी बोलते हैं, वो सब कुछ आपको फ्लेवर यहाँ पे मिलेगा। आपको सिर्फ एक प्लेस पे आना है। उन सब की ब्रांचेज यहाँ पे हैं। नॉर्मली वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश होता है, तो आप वीकडे पे आ सकते हैं। ये सिटी से थोड़ा सा दूर है। हमने जल महल से ऑटो किया था और उसने हमसे 80 रुपीज़ लिया चार्ज यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ का ऑथेंटिक फूड और मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस।
तो अभी हम खाने वाले हैं ये राजस्थानी थाली, इसमें आलू प्याज पनीर की सब्जी, रबड़ी, बेजर रोटी, लहसुन चटनी, ये वाला तो बना रहे हैं आंटी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो मैंने मंगाई एक टिपिकल राजस्थानी थाली, ऑर्डर की है और उसमें यह है बेजड़ की रोटी, काफ़ी बड़ी है। उसका मैंने आपको प्रोसेस ऑलरेडी दिखा दिया उसने कैसे बनाया, रायता, रबड़ी और ये आलू प्याज और पनीर की सब्ज़ी जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, और ये लहसुन की चटनी दी है उन्होंने और मिर्च का अचार दिया। तो लेट्स सी, टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी स्वीट है ये वाली आलू प्याज और पनीर की सब्ज़ी, और चटनी टेस्ट करते हैं लहसुन की, नाइस। रायता भी अच्छा लग रहा है, नाइस टेस्ट, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और खाने के बाद लास्ट में होती है चाय, तंदूरी चाय, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। पी के बताती हूँ कैसी है, गरम गरम सर्दी में। अगर आपको कड़क चाय पसंद है मेरी तरह, दिस इज़ फॉर यू, ज़रूर ट्राई करना। चीयर्स। तो बडीज़, आपने देख लिया होगा मेरा ये मसाला चौक का वीडियो। अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो इस प्लेस पे ज़रूर आना, और जयपुर की मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ, बापू बाज़ार और शॉपिंग हॉल, वो सब कुछ मेरा आने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है @श्वेता डायरी, और मेरा फेसबुक पेज भी है श्वेता डायरी। क्योंकि जैसे मैं अभी जयपुर आई हूँ तो मेरे अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ और कहाँ कहाँ पे मैंने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर की। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, डू शेयर, बाय बाय।